हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे काफ़ी एंटरटेनिंग होगी, आपको मज़ा आएगा और साथ में आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ग्रामर इंप्रूव होगी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और भी बहुत कुछ। तो स्टोरी का नाम है बीरबल गोज टू हेवन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बीरबल जाता है टू हेवन, स्वर्ग में। तो कैसे स्वर्ग में जाएगा, तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं और पता करते हैं। और आप में से अगर कोई भी इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हर दूसरे दिन, दो दिन छोड़कर इस चैनल पर एक न्यू वीडियो आता है, आप यहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और आप में से अगर कोई मेरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है जिसमें पूरी इंग्लिश आपको सिखाई गई है, तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नाम आप नीचे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो स्टोरी है बीरबल जाता है टू हेवन, स्वर्ग में। कैसे जाता है? सेवरल ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स। तो कोर्टियर्स कौन होते हैं? दरबारी, जो दरबार के लोग होते हैं कोर्टियर्स। अकबर, यहाँ पे लगा है अपोस्ट्रोफेस, तो ये हुआ अकबर के दरबारी। तो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है ऑफ, इसका मतलब हुआ अकबर के दरबारियों में से कुछ। सेवरल का मतलब हुआ कुछ, तो उसके दरबारियों में से कुछ। वर थे जेलस, मतलब उनको जलन थी। ऑफ ऑफ मतलब किस चीज से, जेलस के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। तो दे वर जेलस ऑफ विटी बीरबल्स पॉपुलैरिटी। अब यहाँ पे विटी बीरबल, बीरबल एक नाउन है, विटी एक एडजेक्टिव है। विटी का मतलब होता है विटी बीरबल, हाजिर जवाबी बीरबल, मतलब वो बीरबल जो हाजिर जवाब भी देता है। तो विटी बीरबल्स, अब देखिए अपोस्ट्रोफेस लगा हुआ है, तो विटी बीरबल की पॉपुलैरिटी से वो क्या थे? जेलस थे। वन डे, एक दिन, दे हैच्ड एन इवल प्लान। इवल प्लान, इवल मतलब होता है बुराई, प्लान साथ में लगा है योजना, तो उन्होंने कोई बुरा प्लान बनाया। तो हैच एन इवल प्लान, इसका मतलब होता है एक बुरा प्लान बुनना। तो कौन सा प्लान बनाया? टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने का। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। किस से छुटकारा पाना? हिम, उससे। परमानेंटली मतलब पक्के तौर पर। तो उन्होंने एक ईवल प्लान बनाया कि वो बीरबल से क्या करेंगे, परमानेंटली छुटकारा पाएंगे। दे ब्राइब्ड, तो उन्होंने रिश्वत दी। ब्राइब मतलब रिश्वत देना, आप गिव ब्राइब भी लगा सकते हो। तो दे ब्राइब्ड, उन्होंने रिश्वत दी द रॉयल बार्बर, जो शाही नाई था। बार्बर मतलब नाई, रॉयल मतलब शाही, जो उस दरबार का नाई था। तो उसको रिश्वत दी उन्होंने विद अ ह्यूज सम। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा और सम मतलब एक रकम। तो बहुत बड़ी रकम दी उन्होंने, मतलब उन दरबारियों ने, कुछ ने उस रॉयल बार्बर को, टू एग्जीक्यूट देयर प्लान। एग्जीक्यूट मतलब होता है लागू करना, जो भी उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो काफी बड़ी रकम उस रॉयल बार्बर को उन्होंने दी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल शेविंग, कह रहे हैं अगले दिन शेविंग करते हुए, वाइल शेविंग मतलब शेविंग करते हुए, अकबर्स बियर्ड, अकबर की दाढ़ी को। बियर्ड मतलब क्या होता है? दाढ़ी, तो अपोस्ट्रोफेस, तो अकबर की दाढ़ी। तो अगले दिन शेविंग करते हुए अकबर की दाढ़ी को, द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो डायरेक्ट नरेशन है यहां से यहां तक। क्या बोला? झांपना, आई सो, झांपना मैंने देखा, योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों को। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कर ले, एंसेस्टर यानी के पूर्वज, और कोर्टियर्स क्या था? दरबारी। जेलस ऑफ, जलन होना। विटी, और ये विटी एडजेक्टिव है, इसका मतलब जो भी हाजिर जवाबी देने वाला जो होता है, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसको बोलते हैं। और हैच एन इवल प्लान, एक बुरा प्लान बनाना या गढ़ना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बड़ी कोई रकम हो। और ब्राइब,
मतलब रिश्वत, रॉयल मतलब शाही, बार्बर मतलब नाई, एग्जीक्यूट मतलब उसको अमल में लाना, उसको फॉलो करना। तो आगे अब पढ़ते हैं, तो बार्बर क्या बोल रहा है, जहां पना मैंने देखा आपके एंसेस्टर्स को, आपके पूर्वजों को इन माई ड्रीम, अपने सपनों में, सपने में, दे वर ऑल रियली सैड, वे सचमुच बहुत दुखी थे, रियली मतलब सचमुच, सैड मतलब दुखी, और दे वर ऑल मतलब वे सभी रियली सैड, सच में दुखी थे। वाई डोंट यू सेंड, आप क्यों नहीं भेजते हो समवन, किसी को, टू हेवन स्वर्ग में, टू एनक्वायर मतलब पूछताछ करने, पता लगाने, अबाउट देयर वेल बींग मतलब उनकी राजी खुशी के बारे में, वेल बींग मतलब कि वो सही है भी या नहीं, मतलब राजी खुशी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। तो बार्बर ने तो अपनी बात बोल दी, अब इसके बाद क्या हुआ, जस्ट वेट, इसके बाद अकबर वॉज वरीड, अब अकबर चिंतित हो गया, टू हियर सुनकर, दैट की हिज एंसेस्टर्स वर सैड, उसके एंसेस्टर्स सैड थे। तो अकबर चिंतित था या चिंतित हो गया ये सुनकर कि उसके पूर्वज दुखी थे, एंड रिप्लाइड, और उसने प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा से यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बोला, हाउ कैन एनीवन गो, कि कोई कैसे जा सकता है, हाउ कैन एनीवन गो, कोई कैसे जा सकता है टू हेवन स्वर्ग में, एंड कम बैक और वापिस आ सकता है अलाइव जीवित, तो कोई कैसे जा सकता है स्वर्ग में और वापिस आ सकता है जिंदा। द बार्बर सेड, फिर बार्बर ने आंसर दिया, अब देखिए डबल इन्वर्टेड कोमाज है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बार्बर का रिप्लाई, तो बोलता है आई नो अ मैजिशियन, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, आई नो अ मैजिशियन, तो हु जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन, जो कैन सेंड, भेज सकता है पीपल, लोगों को, टू हेवन, हेवन में, विदाउट किलिंग देम, बिना उनकी हत्या करे। तो बार्बर कह रहा है कि मैं एक ऐसे मैजिशियन को जानता हूं जो लोगों को भेज सकता है हेवन में बिना उनकी हत्या करे। इफ अगर द पर्सन इज स्मार्ट, अगर वो व्यक्ति होशियार है, स्मार्ट मतलब यहाँ पे चेहरे की स्मार्टनेस से बात नहीं हो रही है कि गोरा है काला है कैसा है, स्मार्ट मतलब होशियार। तो इफ द पर्सन इज स्मार्ट, अगर वो व्यक्ति स्मार्ट है, होशियार है, ही विल फाइंड अ वे, वो रास्ता ढूंढ लेगा टू कम बैक, वापिस आने का, मतलब स्वर्ग से वापिस आने का, वो भेज तो सकता है पर वापिस आने का रास्ता नहीं है। तो अगर वो पर्सन स्मार्ट होगा तो वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा वापिस आने का। और ये देखिए फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, इफ के साथ हमने यहाँ विल नहीं लगाया, मैंने आपको कराया था फ्यूचर कॉम्बिनेशन में। तो आगे लिखा है अकबर वॉज एक्साइटेड, अकबर बड़ा ही एक्साइटेड था, एंड वॉन्टेड टू मीट, और मिलना चाहता था द मैजिशियन, उस जादूगर से। द बार्बर ब्रॉट, बार्बर लाया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, तो बार्बर लाया द मैजिशियन, उस जादूगर को, टू द किंग्स चैम्बर्स, जो राजा के चैम्बर्स थे उनके जो भी कक्ष थे उनमें लेकर आया। द मैजिशियन री एश्योर्ड, एश्योर मतलब जिसको आप बोलते हैं विश्वास दिलाना, तो भरोसा दिलाना, तो मैजिशियन ने री एश्योर किया मतलब पुनः उसको भरोसा दिलाया अकबर को, दैट की ही वुड यूज, कि वो यूज करेगा हिज मैजिक, अपना जादू, टू सेंड, भेजने के लिए वन पर्सन, एक व्यक्ति को, टू हेवन स्वर्ग में, अलाइव जीवित। तो मैजिशियन ने पुनः भरोसा दिलाया अकबर को कि वो अपने मैजिक को यूज करेगा किसी एक पर्सन को जिंदा हेवन में भेजने के लिए। तो ये पास्ट प्लस वुड का लेसन। आगे लिखा है ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से पूछा, उस मैजिशियन ने, टू चूज, कि वो चूज कर ले, चुन ले द वाइसेस्ट मैन, वाइस मतलब समझदार या अकलमंद, और वाइसेस्ट मतलब सबसे समझदार। तो कह रहा है कि राजा को उसने बोला कि आप चूज कर लो जो भी सबसे अकलमंद, सबसे समझदार मैन हो फॉर द जॉब, इस काम के लिए।
अकबर वॉज इलेटेड. इलेट का मतलब क्या होता है? हैप्पी, बट सिंपल हैप्पी नहीं, इसको आप ये कह सकते हैं एस्थेटिकली हैप्पी. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंद में, मतलब बहुत बहुत खुश. तो अकबर बहुत बहुत खुश था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही समंड बीरबल. तो उसने बीरबल को बुलावा भेजा. समन मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑफिशियल बुलावा किसी को भेजा जाता है उसको बोलते हैं समन करना. तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, उसने बीरबल को समन भेजा टू द रॉयल कोर्ट, कि वो दरबार में पधारे. एंड सेड, और कहा, क्या बोला? बीरबल, आर यू विलिंग, क्या तुम इच्छुक हो? तो ये हमारा विलिंग टू का लेसन. तो आर यू विलिंग टू डू, क्या तुम करने के इच्छुक हो? एनीथिंग, कुछ भी. फॉर योर किंग, अपने राजा के लिए. बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया. अब डबल इन्वर्टेड कॉमास है, क्या बोला? यस जहांपनाह, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ टू डू, करने के लिए. एनीथिंग फॉर यू, कुछ भी आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ. अकबर वॉज रिलीव्ड, मतलब अकबर को थोड़ा सा अच्छा लगा, उसको रिलैक्स महसूस हुआ. जैसे पेन रिलीफ होता है, रिलीफ मतलब आपको दर्द से छुटकारा मिलता है, उसी तरह से अकबर वॉज रिलीव्ड, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा. एंड सेड, और कहा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम टू गो, जाओ टू हेवन, स्वर्ग में. एंड एनक्वायर, और पता लगाओ अबाउट के बारे में, द वेल बींग ऑफ माई एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों की राजी खुशी के बारे में. तो ये उसने बोल दिया. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कर लो. समन मतलब किसी को बुलावा भेजना, स्पेशली जो कोर्ट किसी को बुलावा भेजता है वो. तो आप लोग सिंपल यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑफिशियल लोग यूज कर सकते हैं. री एश्योर मतलब किसी को भरोसा दिलाना. इसके अलावा विलिंग टू मतलब इच्छुक होना, और रिलीव मतलब थोड़ा सा चैन आना, एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, और बाकी आई थिंक मैंने आपको बता ही दिए हैं. चैम्बर्स, उनके जो कक्ष होते हैं, और ब्रिंग लाना, मैजिशियन, जादूगर. तो एक ये वर्ड था इलेटेड, इलेटेड मतलब बहुत खुश. तो अब बढ़ते हैं आगे. तो बीरबल ने तो बोल दिया, अकबर ने बोला कि जाओ, बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ तुम जाओ हेवन में और इंक्वायर करो अबाउट द वेलबींग ऑफ माई एंसेस्टर्स. बीरबल वॉज टेकन अबैक, तो उसको थोड़ा सा झटका लगा. ठीक है, टेकन अबैक मतलब हल्का सा वो पीछे को गया, ये कैसा जवाब था. तो हल्का सा झटका लगा. बाय हिज स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, इस अजीब सी रिक्वेस्ट से उसको थोड़ा सा सदमा सा लगा. बट लेकिन ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू रिमेन काम, कि वो एकदम काम रहेगा एंड कंपोज्ड, और बिल्कुल मतलब फ्लो में रहेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो रहेगा. अकबर ने बीरबल से कहा अबाउट हिज कॉन्वर्सेशन. अच्छा, तो ये कहानी है, मतलब उसने बताया. तो अकबर टोल्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को बताया अबाउट हिज कॉन्वर्सेशन, जो उसकी बातचीत हुई विद द बार्बर, बार्बर के साथ. तो पूरी स्टोरी बता दी कि बार्बर ने ऐसा ऐसा कहा. एंड द मैजिशियन, और जो मैजिशियन ने कहा वो सब बता दिया. बीरबल लुक्ड अराउंड, बीरबल ने अपने इधर उधर देखा. एंड सो, और देखा हैप्पी फेसेस, मतलब खुश चेहरे. तो उसको पता चल गया कि लोग हंसर खुश हैं, उनके चेहरे पे हंसी है, अब तो उनका रास्ता साफ होने वाला है, वो उसको मार देंगे. तो उनके चेहरों से पता चल गया कि किसी ने षड्यंत्र रचा है. तो आगे क्या होता है? ही रियलाइज्ड दैट, तो उसको एहसास हुआ कि सेवरल कोर्टियर्स, कुछ एक जो दरबारी हैं, हैड कॉन्स्पायर्ड, उन्होंने साजिश रची थी. कॉन्स्पायर मतलब साजिश रचना. तो कुछ दरबारियों ने साजिश रची थी विद द बार्बर, बार्बर के साथ, टू गेट हिम किल्ड, उसको मरवाने की. ये गेट कॉजिटिव वर्ब, फिर पर्सन लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिस इज गेट कॉजिटिव वर्ब. आगे लिखा है ही देन कामली, कह रहे हैं वो फिर बड़े शांति से, कामली मतलब शांति से रिप्लाइड. तो फिर उसने बड़े शांति से जवाब दिया
हुजूर आई विल बी एन ऑनर, इट विल बी एन ऑनर मतलब ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ठीक है, ऑनर मतलब सौभाग्य, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, आदर की बात होगी, बट लेकिन आई हैव टू कंडीशंस, अब उसने दो शर्तें रख दी, कंडीशंस मतलब शर्तें, आई हैव टू कंडीशंस मेरी दो शर्तें हैं, तो क्या कह रहा है, आई पहली है उसकी आई नीड मुझे जरूरत है अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे की टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए फॉर द ट्रैवल इस यात्रा के लिए, कह रहा है कि मुझे पहले तो पैसा चाहिए कि ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ इस यात्रा के लिए। सेकेंडली और दूसरी शर्त आई वॉन्ट द सेरेमनी, तो मुझे एक ऐसी सेरेमनी चाहिए टू टेक प्लेस नियर माई हाउस, मतलब जो भी जो कुछ भी होगा जो भी प्रोसेस होगा इसका सेरेमनी होगी टेक प्लेस वो कहाँ होनी चाहिए, नियर माई हाउस मेरे घर के पास में, एग्जैक्टली बिल्कुल आफ्टर वन मंथ मतलब बिल्कुल एक महीने के बाद, तो एक महीने का टाइम वो मांग रहा है, तो ये उसने कहा। आगे लिखा है अकबर अग्रीड इंस्टेंटली, अकबर इंस्टेंटली मतलब तुरंत सहमत हो गया, अकबर तुरंत सहमत हो गया, ही सेंट उसने भेजा अ ह्यूज सम ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा भेजा टू बीरबल्स हाउस बीरबल के हाउस पर, एंड गेव हिम और उसको दिया वन मंथ एक महीना एज अ लीव ऑफ एब्सेंस मतलब गैर हाजिरी की छुट्टी का जो लीव था वो उसको दे दिया टू प्रिपेयर ताकि वो प्रिपेयर कर सके तैयारी कर सके फॉर द जर्नी। तो पहली कंडीशन उसको पैसा चाहिए था ट्रैवल के लिए प्रिपेयर के लिए, और दूसरा कि उसने बोला कि जो मेरा घर है ये जो भी सेरेमनी होगी वो मेरे घर के पास में होनी चाहिए ठीक एक महीने बाद, तो अकबर अग्रीड हो गया और उसने उसको बहुत पैसा भेजा और एक महीने की छुट्टी भी दे दी। ऑन द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे मतलब जो भी चुना गया दिन था, तो ऑन द अपॉइंटेड डे उस चुने हुए दिन पर मतलब एक महीने बाद अकबर जो था रीच्ड वो पहुंचा बीरबल्स हाउस बीरबल के हाउस में। अब यहाँ पे अकबर के बाद लिखा हुआ है अकम्पनीड बाय द मैजिशियन एंड द बार्बर, तो अकबर मैजिशियन और बार्बर के साथ अपॉइंटेड डे वाले दिन पहुंचा बीरबल के घर पर। द स्टेज वॉज सेट, जो स्टेज थी वो एकदम सेट थी, एंड और बीरबल जम्प्ड इनटू अ पायर, पायर मतलब चिता, तो बीरबल ने जंप कर दी उस चिता में जो भी वो आग वाला कुछ लगाया था कि वो आग में प्रवेश करेगा, तो वो पूरा सेटअप किया गया था, तो बीरबल ने उसमें जंप कर दी। एज द मैजिशियन चैंटेड हिम्स, जैसे ही मैजिशियन ने चैंट किए हिम्स, हिम्स मतलब क्या होते हैं मंत्र, और चैंट मतलब उनका जाप करना, तो मंत्र जाप करना चैंट हिम्स, तो जैसे ही मैजिशियन ने उन मंत्रों का उच्चारण किया तो बीरबल ने उस पायर पर पायर में चिता में जंप लगा दी। ह्यूज फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब लपटे, और ह्यूज मतलब बड़ी बड़ी लपटे, एंड स्मोक और धुआं फील्ड भर गया, उसने भर दिया द सराउंडिंग्स आसपास के एरिया को, तो ये ह्यूज फ्लेम्स और ये जो स्मोक है तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, इनकी वर्ब है फील्ड, तो बड़ी बड़ी आग की लपटों ने और धुएं ने उस सराउंडिंग को मतलब भर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब उनको लगा कि वो बीरबल वापिस मतलब चला गया मर गया जल गया आग में, तो अब क्या होता है बीरबल रिटर्न्स, अब बीरबल वापिस आता है फ्रॉम हेवन, कैसे आता है आगे प्लान आपको पता चलेगा। द कनिंग कोर्टियर्स, कनिंग मतलब चालाक, जो दिमाग लगाते हैं लेकिन नेगेटिवली उसको बोलते हैं कनिंग, जो चालाक दरबारी थे वर हैप्पी, वे खुश थे टू सी देखकर देयर इवल प्लान, कि उनका जो इवल प्लान है वर्क, कि वो सही से काम कर रहा है फ्लोलेसली बिना किसी एरर के, फ्लो मतलब एरर, फ्लोलेस जिसमें एरर ना हो, फ्लो फ्लोलेसली मतलब बिना एरर के, तो सारे चालाक दरबारी खुश थे ये देखकर कि उनका इवल ये बुरा प्लान वर्क कर रहा था बिना किसी अड़चन के। दे थॉट उन्हें लगा दैट कि दे हैड फाइनली
सक्सीडेड, कि वे आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, सक्सीड मतलब सफल होना, तो उनको लगा कि वे सफल हो गए थे इन डिफीटिंग, पराजित करने में, हराने में बीरबल, बीरबल को, एंड किलिंग में, किलिंग हिम, और उसकी हत्या करने में। आगे लिखा है, हाउएवर फिर भी बीरबल हैड प्लान्ड, फिर भी बीरबल ने प्लान किया था हिज एस्केप, मतलब एस्केप का मतलब समझ ले पहले, एस्केप यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, तो ये जो बीरबल था हैड प्लान्ड, उसने पहले ही प्लान कर लिया था बच निकलने का। ही हैड यूटिलाइज्ड द मनी, यूटिलाइज मतलब यूज करना, तो उसने मनी का यूज किया था, कौन सी मनी, सेंट जो भेजी गई थी बाय अकबर, अकबर के द्वारा, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ सीक्रेट टनल, एक गुप्त सुरंग, टनल मतलब होता है सुरंग और सीक्रेट मतलब गुप्त, तो उसने यूटिलाइज किया वो पैसा जो अकबर ने भेजा था बनाने के लिए एक गुप्त सुरंग, फ्रॉम द रिचुअल साइट ऑफ हिज होम, रिचुअल क्या होता है, अनुष्ठान करना, साइट मतलब वो प्लेस, और रिचुअल साइट वो प्लेस जहाँ पर ये जो अनुष्ठान होता था, जैसे पूजा यज्ञ या जो भी है वो, तो रिचुअल बोलते हैं उन चीजों को, साइट मतलब वो जगह, तो उसी जगह पर सीक्रेट प्लान मतलब टनल थी वो बनाने के लिए, जो भी पैसा था उसने यूज करा, जो भी उसके घर के पास में थी वो साइट, वो जगह। यूजिंग स्मोक एज अ कवर, कह रहे जो धुआं है उसको यूज करके अपने बचाव के रूप में, कि धुआं हो जाएगा और मैं वहां से बच निकलूंगा, तो यूजिंग स्मोक एज अ कवर, धुएं को यूज करते हुए अपने बचाव के लिए, बीरबल एंटर्ड, बीरबल ने प्रवेश किया द टनल, उस सुरंग में, एंड रीच्ड, और पहुंच गया हिज होम सेफली, अपने घर सुरक्षित। दो, हालांकि हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, हालांकि उसके कपड़े फटे हुए थे, एंड बर्न्ड, और जले हुए थे, फिर भी, अब देखिए ये दो का यूज है, इसके इसका मतलब होता है हालांकि, और फिर ये जो कोमा लगता है ये दो के साथ लगता है, अगर यहाँ ऑल्दो लिखते तो हम यहाँ पे येट लिखते, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा था फिर भी ऐसा है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट, तो हालांकि उसके कपड़े जले हुए, टॉर्न मतलब फटे हुए थे, एंड बर्न्ड, और जले हुए थे, इसके बावजूद भी हिज फेस हैड अ कनिंग स्माइल, फिर भी उसके चेहरे पर एक चालाकी वाली स्माइल थी, ऑन इट मतलब उस पर, चेहरे पर एक बड़ी कनिंग स्माइल थी, मतलब चालाकी वाली। और अब इसके बाद क्या हुआ, बीरबल स्टेड, बीरबल ठहरा, स्टे मतलब ठहरना, तो बीरबल रुका वहीं पे, स्टे किया उसने, हिडन छुपते हुए, इनसाइड हिज हाउस अपने घर में, तो स्टेड हिडन मतलब है छुपा हुआ रहा अपने घर में, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए, एंड डिड नॉट शेव हिज बियर्ड, और अपनी जो दाढ़ी थी उसको शेव नहीं किया। डेज पास्ड मतलब दिन बीत गए, एंड और अकबर स्टार्टेड गेटिंग रेस्टलेस, अकबर स्टार्टेड, अकबर शुरू हो गया, गेटिंग रेस्टलेस मतलब बेचैन होना, गेट रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन होना, तो टेंस के अकॉर्डिंग देखे तो स्टार्ट के बाद आईएनजी लगता है, तो अकबर बेचैन होना शुरू हो गया, वेटिंग फॉर बीरबल, इंतजार करते हुए बीरबल का, तो वो भी सोच रहा था क्या होगा क्या होगा, काफी दिन बीत गए थे तो वो नर्वस रेस्टलेस हो गया, बेचैन हो गया। मीनवाइल इतने में या इतनी देर में या तब तक, द कोर्टियर्स सीक्रेटली सेलिब्रेटेड बीरबल्स डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है डेथ, और बीरबल्स डिमाइज बीरबल की डेथ, तो कह रहे इतने में इतनी देर में क्या हुआ, जब तक वो रेस्टलेस हो रहा था इतने दिनों में, जो दरबारी थे उन्होंने सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से सेलिब्रेटेड, उन्होंने मनाया था इस बीरबल के डिमाइज को, कि उसकी मौत होगी तो सेलिब्रेट करो। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, बीरबल वेंट, बीरबल गया टू द रॉयल कोर्ट, तो एक महीने बाद बीरबल गया उस शाही दरबार में। अकबर वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, अकबर बहुत ज्यादा खुश था, एक्सट्रीमली हैप्पी के बारे में बता रहा है, तो एक्सट्रीमली एक एडवर्ब हुआ, हैप्पी एडजेक्टिव है, और एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव या फिर वर्ब की विशेषता को बताएं,
तो अकबर बहुत ज्यादा खुश था, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, टू सी हिम, उसको देखकर बीरबल को, वाइल, जबकि द कर्टियर्स, लेकिन जो दरबारी थे, कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सके, देयर आईज, अपनी आंखों का। अकबर ईगरली, ईगरली मतलब उत्सुकता से, अकबर ने बड़ी उत्सुकता से आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछा, क्या पूछा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा है, डिड यू मीट माई फादर, क्या तुम मेरे पिताजी से मिले, हाउ इज माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी या नाना जी कैसे हैं। आगे लिखा है, बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल मुस्कुराया और कहा, क्या बोला, जहां पना योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, आर डूइंग वेल, मतलब वो काफी अच्छे हैं, इन हेवन, स्वर्ग में, बट, लेकिन दे लैक अ बार्बर, लेकिन उनके पास एक बार्बर की कमी है, लैक मतलब कमी होना, तो उनके पास एक नाई की कमी है, लुक एट माई बियर्ड, देखो मेरी दाढ़ी को, योर एंसेस्टर्स ऑल्सो हैव, तो आपके एंसेस्टर्स की भी है लॉन्ग बियर्ड, तो उनकी भी बड़ी दाढ़ी है, दे हैव आस्क्ड मी टू रिक्वेस्ट यू, उन्होंने मुझे आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहा है, तो ये अगेन आ रहा है आस्क टू, और बीच में आ रहा है समवन, फिर आ रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए कहना, तो दे हैव आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा है टू रिक्वेस्ट यू, कि आपसे रिक्वेस्ट कर दें, टू सेंड, भेजने की अ बार्बर, एक नाई को, फॉर देम, उनके लिए, द किंग इमीडिएटली, किंग ने तुरंत समंड, बुलाया द रॉयल बार्बर को, उस शाही नाई को बुलाया, टू कोर्ट, दरबार में, एंड टोल्ड हिम अबाउट, और बताया किस बारे में, बीरबल्स एक्सपीरियंस, बीरबल के अनुभव के बारे में, जो भी बीरबल ने कहा उसने सब बता दिया कि उन्होंने बार्बर को बुलाया है, तो उसको पता चल गया, ही ऑर्डर्ड द बार्बर, उसने आदेश दिया बार्बर को टू गो, जाने का, टू हेवन, स्वर्ग में, द बार्बर गॉट स्केयर्ड, बार्बर भयभीत हो गया, गेट स्केयर्ड मतलब भयभीत होना, डर जाना, तो बार्बर डर गया, फॉलिंग टू हिज नीज, मतलब अपने घुटनों के बल बैठते हुए, फॉलिंग टू हिज नीज, अपने घुटनों के बल बैठते हुए, ही रिवील्ड, उसने खुलासा किया, रिवील मतलब खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, तो उसने खुलासा कर दिया, द इवल प्लान, उस बुरे प्लान का, कौन सा प्लान, टू किल बीरबल, बीरबल को मारने का, एंड नेम्ड, और नाम भी बता दिए, द अदर, दूसरे वाले को, कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स मतलब हो गए साजिश करता, को मतलब साथी, जैसे को वर्कर होता है, यानी कि काम करने वाला साथी, ऐसी को कॉन्स्पिरेटर्स, वो साथी जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, तो उसने सब बता दिया, ही बैग्ड फॉर फॉरगिवनेस, बैग मतलब भीख मांगना, फॉरगिवनेस मतलब माफी, तो उसने गिड़गिड़ाकर या भीख मांगते हुए माफी मांगी, बट लेकिन अकबर सेंट, अकबर ने भेज दिया ऑल ऑफ देम, सभी को, टू प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल में, एंड और रिवॉर्डेड, और रिवॉर्ड दिया बीरबल, बीरबल को, फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए, एंड विट, अपनी हाजिर जवाबी के लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप में से कोई भी स्टोरी पढ़ना चाहता है, जिस तरह से मैंने ये सारी स्टोरी पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको इंग्लिश आएगी, क्योंकि स्टोरीज आपको तभी पढ़नी चाहिए जब आपको इंग्लिश आ जाए, तभी स्टोरीज आपको मैक्सिमम बेनिफिट देंगी। तो इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, इससे भी बढ़िया पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कवर होने जरूरी है। तो ऐप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, आप मेरा 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें, बहुत वैल्यू मिलेगी, और काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड होते हैं जो यूट्यूब पर नहीं आती, इसीलिए आप इसे अभी ज्वाइन करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर कर दें वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, थैंक यू।